हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 71 तक का आंसर की आपको दिया था, आंसर बताया था। और दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पार्ट टू है और इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 72 से 140 तक का आंसर बताएंगे। दोस्तों, ये जो पेपर है ये सेट ए है, ये सेट ए है और इसका आंसर हम आपको क्वेश्चन नंबर 72 से 142 तक इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेट को। इसमें क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ कि नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं और क्या कारण कथन की व्याख्या करता है। तो इसमें पहला दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो इसका कारण दिया गया है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रश्न कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 की, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया। तो सातवीं अनुसूची में दिया गया दोस्तों संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, इसमें संघ राज्य तथा समवर्ती सूची दिया गया। आठवीं अनुसूची में भाषा के बारे में है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यानी भूमि सुधार कानून दिया गया है तथा 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में नहीं हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का 1993 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1964 में तथा अंतर्राज्यीय परिषद का 1990 में गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 है कि जब एक देश के भुगतान को उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। और इसका कारण दिया गया है कि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन 75 का सही उत्तर ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 76 कि हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दिए गए कथनों में से हरित बांड के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन ए, यानी हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। तो 76 का सही उत्तर है ऑप्शन ए और सभी कथन गलत दिया गया। हरित के बांड संबंध निवेश कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, 76 का ए जो है कि हरित बांड के विषय में गलत कथन है। बाकी तीनों कथन, जैसे हरित बांड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल की अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है, ये तीनों कथन सही है। लेकिन हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, ये कथन गलत है, इसलिए 76 का सही उत्तर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 कि डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को भिन्न वर्षों के साथ सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 77 का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि 2016 का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो दक्षिणी गोवा में हुआ था, 2018 का चेन्नई में, 2019 का हैदराबाद में तथा 2020 का लखनऊ में भी हाल ही में आयोजित किया गया था। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन तथा कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर जो कथन और कारण दिए गए हैं दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, यह सही है।
सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, ये दोनों ही कथन सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, हमें बताना है इसमें कि बांग्ला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बांग्ला उत्सव मेघालय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, बांग्ला उत्सव मेघालय मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधनों में जो एक ऊर्जा का चरम स्रोत है वह है सूर्य, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 81 है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल निम्न में से कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर है दोस्तों सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। अब हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो लौह धातु के क्षय होने के लिए दोस्तों नमी और ऑक्सीजन की जरूरी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन 82 का बी सही होगा, 82 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है। तो पृथ्वी पर सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ वह है हीरा, यानी कि ऑप्शन बी डी जो है कि क्वेश्चन 83 का सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन 84 की महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन 84 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन संबंधित है वह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए 85 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, 86 का ऑप्शन डी सही होगा, यानी विटामिन के अल्फा अल्फा विटामिन डी जो है वह कॉड एक्रित आयल में, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में तथा विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, इसलिए 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 87 है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, इसलिए 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। 88 है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तीन घटनाओं को हमें क्रमबद्ध करना है, तो इन घटनाओं में सबसे पहले जो हुआ था वह था बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, फिर क्लाइव का भारत आगमन हुआ था और लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, इसलिए क्वेश्चन 89 का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी एक सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, एक्सलास सैपल की संधि 1748 में, ला बुर्दनामे द्वारा मद्रास पर अधिकार ये हुआ था 1746 में तथा डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में। तो क्वेश्चन 90 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो दोस्तों जो रजमनामा है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युद्धों पर विचार किए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले चंदेरे की युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और लास्ट में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो 93 का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए,
यानी सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई थी, उसके बाद फिर सविनय आंदोलन, पूना पैक्ट, फिर लास्ट में गांधी इरविन समझौता। तो 93 का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची, यहाँ पर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 94। और यहाँ का जो सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही, यानी कि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा जो है कि महादेव गोविंद राणा डे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तथा मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिए क्वेश्चन 94 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 94 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 95 है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे वे थे विलियम विल्सन हंटर, यानी विलियम विंसन विंटर हंटर, विलियम विल्सन हंटर जो है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 95 का बी होगा। क्वेश्चन 96 है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, जिनमें से बताना है कौन से कथन सही है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये कथन सही है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 73 के द्वारा ही 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। लोमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत होगा, क्योंकि जो प्रथम न्यायाधीश थे वह थे सर एलिजा एम फे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन ए, ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है। तो प्रमाणित बीजों के थैले पर प्रयोग किए जाने पर जो थैले का रंग होता है वह होता है सफ़ेद, यानी कि 97 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर हमें मिलान करना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, यानी इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मायर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। और सभी ऑप्शन गलत हैं, इसलिए 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का अभी उत्तर सही नहीं पता चल सका है, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, कि देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। तो दोस्तों इस सेवा को शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, यह रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित होता है। तो इसके संबंध में ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों, इसलिए 101 का जो सही उत्तर होगा ऑफ होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर दो बैंक दिया गया और उसका प्रकार दिया गया, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या निजी बैंक है, सिटी बैंक, आईसीआई बैंक दोस्तों इसका होगा निजी बैंक, सिटी बैंक जो है कि विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है, सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है। तो क्वेश्चन 102 का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही अभी नहीं पता चल सका है, इस प्रश्न जो प्रश्न अभी छोड़ जा रहे हैं हम अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको सही सही बता देंगे। अब क्वेश्चन 104 देखते हैं, कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है रोजगार सृजन, रोजगार सृजन इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो नगरीकरण का जो सबसे निम्न स्तर है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 106 है, निम्नलिखित राज्य के शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर खनन क्षेत्र और वहाँ पे किस खनिज का उत्खनन किया जाता है, ये हमें मिलान करना है। तो गुरु मायसनी जो है वह है लौ, यहाँ पर लौ एस का उत्खनन किया जाता है, तालचर का कोयला, तालचर में कोयला का होता है, जादूगोड़ा यूरेनियम और जावर में जस्ता का, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 108, भारतीय मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वह होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है कि मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पर देश दिया गया और उसकी राजधानी से हमें मिलान करना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि म्यांमार की राजधानी यांगून है, कंबोडिया का नॉमपेन, वियतनाम का होगा वियतियान तथा लाओस का, वियतनाम का होगा हनोई तथा लाओस का वियतियान होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पर नदी दिया गया और उसके किनारे शहर जो हैं बसे हुए उनके उनसे हमें मिलान करना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सतल अरब जो है कि बसरा, सतल अरब के किनारे बसरा शहर बसा हुआ, पराग्वे जो है कि एसेंसियान, नाइजर, नियामी तथा डेन्यूब वियन्ना। तो क्वेश्चन 111 का सही उत्तर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का अभी सही उत्तर दोस्तों हमें नहीं पता चल सका है, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो वह है नागालैंड, नागालैंड में जो है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वह शून्य है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो संकल्प पर्व जो संबंधित है वह है वृक्षारोपण से, इसलिए 114 का सही उत्तर ऑप्शन ए। नीली क्रांति निम्न से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है कि मछली उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चित्रकूट जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो चित्रकूट जल प्रपात वह इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय जो है कि सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। तो यह किया गया था भारत सरकार द्वारा 1998 में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था। तो सांख्यिकी दिवस का जो थीम था वह था सतत विकास लक्ष्य, इसलिए 119 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया। तो यह है प्राप्त किया गया है कंगना रानौत द्वारा, इसलिए क्वेश्चन 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंगना रानौत। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए। तो मरणोपरांत जो पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया वह था 4 लोगों को दिया गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 4। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122,
कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया पुलेला गोपीचंद को, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा फरवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए चलाया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर 2020 किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो यह अजय वॉरियर 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य संपन्न हुआ, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ लिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इन दोनों कथनों में से केवल कथन एक सही है, इसलिए क्वेश्चन 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला। क्वेश्चन नंबर 127 जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, क्वेश्चन दोस्तों 128 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1140 मिनट। क्वेश्चन 129 किसी एक निश्चित कोड भाषा में एच ई 41 और यस एच ई 49 है तब देम किसके बराबर, टी एच ई एम किसके बराबर होगा? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 62। क्वेश्चन 130 यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बुधवार था, बुधवार। क्वेश्चन 131 स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सत्य से। अगला प्रश्न है, हमें रिक्त स्थान पर अंक उचित अंक भरना है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो सही होगा वह होगा 84, यानी कि 132 का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 132 का सही है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 133 कि अंग्रेजी वर्णमाला कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के 10 ऐसे अक्षर हैं जिनका दर्पण के समक्ष समान प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्वेश्चन 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित आगरा में, इसलिए क्वेश्चन 134 का ऑप्शन होगा आगरा, यानी कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 135 देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए क्वेश्चन 135 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो IIPR कानपुर में, IVRI जितनगर, IGFRI झांसी में, लेकिन IIVR लखनऊ में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन 137। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीतल की मूर्तियां मथुरा में नहीं हैं और दिए गए ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 138 यहाँ पर मेला और जनपद से हमें मिलान करना है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, देवीपाटन मेला आगरा, कामपीला मेला बलरामपुर, बटेश्वर मेला फर्रुखाबाद तथा ददरी मेला बरिया। क्वेश्चन 139 उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो
तो बुक्सा जनजाति निवास करती वह है बिजनौर, बिजनौर में बुक्सा जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 140, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 9। तो दोस्तों इस सेट का आज के आर ओ के 2016 के पेपर का ये अंतिम प्रश्न था। आप इसको सॉल्व करने के बाद आप मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आप कट ऑफ के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।